आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए जाते हैं मंदिर में जाकर कोई भी उपाय किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा उत्तम प्रभाव देता है इसका कारण ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है मंदिर में जाकर जब हम कोई उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कुछ मांगते हैं तो ऐसे में उसके संपूर्ण होने के उसके पूरा होने के जो संभावनाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आज का उपाय भी मंदिर से संबंधित है हर मनुष्य की चाहत होती है कि उसे अचानक से अपार धन की प्राप्ति हो लेकिन ये धन आपको सिर्फ चाहने भर से तो नहीं मिल सकता इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा तो आज का ये उपाय धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सारी परेशानियों से मुक्ति मिले आपको आपकी मेहनत का फल मिले धन प्राप्ति हो धन के आने के सारे मार्ग खुल जाएँ तो आप ये उपाय कर सकते हैं ऐसे में आप लोगों को उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करने ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ अगर आप ये उपाय मंदिर में करते हैं तो बहुत उत्तम लाभ देंगे ऐसे में पहले उपाय की मैं बात बता देती हूँ आपको अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की पसंदीदा चीज़ें जो हैं कुमकुम अक्षत गंध फूल ऐसी चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं इनको आप मंदिर में ले जाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो वस्तु है वो है गुलाब के फूल गुलाब के फूल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं अगर आप माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं अगर आप मंदिर में जाकर ये काम करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होते हैं मंदिर में जाएँ शुक्रवार के दिन आरंभ कर सकते हैं शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो बहुत ही उत्तम है ऐसे में आप मंदिर में गुलाब के फूल ले जाएँ वहाँ पर माँ को अर्पित करें और बैठ कर लक्ष्मी स्त्रोत्र का पाठ करें कर्क धारा स्त्रोत्र का पाठ करें ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा अच्छे से होगी ये तो मैंने आपको एक साधारण उपाय बताया है जो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनाए रखता है आज एक ऐसा प्रयोग आपको बताने वाली हूं जो अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ लक्ष्मी आप पर कृपा ना करें इस प्रयोग को आप लिख लें अगर आप इसे लिखना नहीं चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं महालक्ष्मी व्रत के पंद्रह दिनों में किसी भी दिन आपने सबसे पहले तो महालक्ष्मी का व्रत करना है शुक्रवार को ये व्रत होता है और आप इसको रखना प्रारंभ करें अब आपने जब व्रत करना है उसमें से कोई भी एक दिन चुन लें आप उन दिनों में सुबह आप तीन बजे उठ जाएं तीन से पाँच बजे के बीच बीच में उठ जाएं जिस दिन भी आपने व्रत रखना हो उस दिन कोई भी एक दिन जैसे आपने पंद्रह शुक्रवार ये व्रत किया है उसके पंद्रह शुक्रवार के बीच में कोई भी एक शुक्रवार चुन लें तीन से पाँच बजे के बीच में आप उठ जाएं और अपने घर के उस स्थान पर चले जाएं जहां खुला आसमान दिखता हो या आप किसी मंदिर में चले जाएं जहां माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो भगवान विष्णु की तस्वीर हो माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो आप वहां भी जा सकते हैं अगर आप नहीं जाना चाहते तो अपने घर के उस क्षेत्र में चले जाएँ जहाँ आपको खुला आसमान दिखता हो ऐसे में हाथ आसमान की ओर उठा लक्ष्मी से धन की भिक्षा मांगें आप माँ लक्ष्मी से बोलें कि माँ लक्ष्मी आपका ये जो हथेलियाँ हैं आपके जो हाथ हैं वो पूरी तरह से आमदनी के स्तोत्र को बढ़ाने वाले हों आपके पूरे हाथ भरे हुए हों धन से वृद्धि से ग्रोथ से आप जो मांगना चाहते हैं मांग लें इस उपाय को करने से इस प्रयोग को करने से एक ऊर्जा प्रवाहित होगी जो आपके व्रत करने के नियम को और भी पक्का कर देगी आप उस व्रत को लगातार करते रहें जितना भी समय आप करना चाहते हैं बस बीच में एक बार ये प्रयोग ज़रूर करें आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और आपकी सारी ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी धन के आने के सारे रास्ते खुलने लगेंगे धीरे धीरे धन के आने के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपकी कमाई में वृद्धि होगी धन आने की जो भी दिक्कतें थी वो सारी दूर हो जाएंगी आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा जिस दिन आपने ये उपाय किया है जिस दिन आपने ये प्रयोग किया है उस दिन शाम का समय शुक्रवार शाम को आप सवा किलो आटा ले लें सवा किलो गुड़ ले लें इन दोनों की आप रोटियां बना लें आपने ध्यान रखना है इस बात का कि सवा पाँच किलो आटा और सवा किलो गुड़ दोनों की मिश्रित रोटियां बना लेनी है और सायकाल को गायों को खिला दें आप इतना उपाय करके देखें अनायास धन की प्राप्ति होगी अचानक से धन आने लगेगा और कहां कहां से धन आएगा ये आपको भी नहीं पता होगा आप करके देखिए इस उपाय को अनुभवों को ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना अनुभव हुआ है लाभ मिला है माँ लक्ष्मी का ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है अगर आप भी इसको आजमाते हैं तो आपको भी ज़रूर लाभ मिलेगा इस प्रयोग को बहुत से लोगों ने आजमाया है और सबको इसके लाभ प्राप्त हुए हैं आप भी इसको ज़रूर आजमा के देखें भगवान को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा परिवर्तित रहे और आप धन आने के रास्तों को कभी भी किसी भी तरीके से बंद ना कर सकें आपके रास्ते बहुत सी बाधाओं से बंद हो जाते हैं बहुत सी तकलीफ़ों से बंद हो जाते हैं तो हमें लगता है कि धन हमारे लिए है ही नहीं हमारे लिए ये ऊर्जा है ही नहीं परंतु ऐसा नहीं होता इसको प्रशस्त करने के लिए हमें प्रयोग करते रहना चाहिए आज के लिए इतना ही मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद